जादुई हरी मिर्च की खेती। सोनू और मोहन की माँ का देहांत हाल फिलहाल में ही हुआ था। सोनू उम्र में छोटा था पर भाई का हमेशा कहना मानता था, पर मोहन अपने छोटे भाई को पास में नहीं रखना चाहता था क्योंकि वो एक पैर से अपंग था। देखो सोनू, बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मुझे अपने ही बहुत काम होते हैं, मैं कब तक तेरी सेवा करता रहूंगा। पर माँ ने हम दोनों को साथ रहने के लिए कहा था। माँ तो चली गई और वो 2 बीघा जमीन छोड़कर गई है, उसमें से 1 बीघा तू ले ले, 1 बीघा मैं ले लेता हूँ। पर भाई, मैं भला खेती कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो चलना भी मुश्किल है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास रहता हूँ। सोनू, मैं कब तक तेरी सेवा करता रहूंगा, तुझे अपना जीवन खुद जीना आना चाहिए, मैं बराबर बराबर हिस्से में जमीन बांट रहा हूँ। मैं भला इस बंजर भूमि का क्या करूंगा। मोहन सोनू को वहां से जाने के लिए कह देता है और सोनू पलटकर कोई भी सवाल जवाब किए बिना वहां से चल देता है। वह अपाहिज होने की वजह से कोई काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपनी बंजर भूमि के पास जाकर रोने लगता है। माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, भाई ने तो मुझे छोड़ दिया, अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा। जब सोनू इन सब बातों को सोचकर रो रहा था तभी उसे किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक तोता घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अरे, इस तोते को तो बहुत चोट आई है, अगर इसको सही समय पर औषधि नहीं मिली तो यह बेचारा मर जाएगा, मुझे औषधि का ज्ञान है, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। सोनू खिसकता हुआ पास की झाड़ियों में से जड़ी बूटियां चुनकर लाता है और तोते के पंखों पर लगाता है, जिससे तोते को बहुत आराम मिलता है। फिर वह पास की नदी से पानी लाकर तोते को पिलाता है और कुछ दिन तक वहीं पर उसकी सेवा करता है। कुछ दिन बाद वह तोता ठीक हो जाता है और सोनू से कहता है, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, तुमने मेरी बहुत सेवा की, आज के समय में कोई भला किसी पक्षी को कहाँ बचाता है, मुझ जैसे छोटे पक्षी के लिए तुमने इतनी मेहनत करके जड़ी बूटी और पानी का इंतजाम किया जबकि तुम चलने में असमर्थ हो। यह तो मेरा फर्ज था, मेरी वजह से अगर तुम्हारी जान बची है तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ये लो हरी मिर्च। हरी मिर्च? मैं भला इस हरी मिर्च का क्या करूँगा, मेरे पास तो खाने के लिए रोटी तक नहीं है, फिर ये हरी मिर्च मेरे किस काम की। मैं तुम्हारे हालातों को जानता हूँ, इसलिए तुम्हें ये हरी मिर्च दे रहा हूँ, ये कोई मामूली हरी मिर्च नहीं बल्कि जादुई हरी मिर्च है। जादुई हरी मिर्च? हाँ, ये जादुई मिर्च है, इसको अपनी इस बंजर भूमि में गाड़ दो, ये हरी मिर्च अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। सोनू ऐसा ही करता है और हरी मिर्च को गड्ढा करके उसमें डाल देता है। थोड़ी देर बाद ही उस गड्ढे में से एक प्रकाश निकलता है और पूरा खेत हरी मिर्चों से भर जाता है। हे भगवान, इस बंजर भूमि पे हरी मिर्च की खेती, ये कैसे संभव हो सकता है, बंजर भूमि पर तो कुछ भी पैदावार संभव नहीं थी। यही तो इसका जादू है, ये हरी मिर्च की खेती कभी खत्म नहीं होगी, अब इसमें से एक हरी मिर्च तोड़कर तुम भी खा लो। तोते के कहने पर सोनू हरी मिर्च तोड़कर खा लेता है, तभी उसको ये एहसास होता है कि उसका पैर ठीक हो गया है और उसके अंदर जो थकान और भूख थी वो भी मिट गई है। सच में ये तो जादुई मिर्च निकली, मेरा बचपन से पैर खराब था जिसकी वजह से मैं ना चल सकता था और ना ही दौड़ सकता था, मेरा बस यही सपना था कि मैं भाग सकूं। आज इस हरी मिर्च को खाकर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया हूँ, मेरे लिए एक सपना सा है जो पूरा हो गया है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि ये कोई मिर्च मामूली हरी मिर्च नहीं, जादुई हरी मिर्च है,
तुम जादुई हरी मिर्च की खेती से बहुत कुछ कर सकते हो। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये तोहफा मैं सिर्फ तुमको ही देना चाहता हूँ। सोनू हरी मिर्च की खेती पाकर बहुत खुश होता है। वह उन हरी मिर्च को तोड़कर बाजार में बेचता है। उसकी हरी मिर्च पूरे बाजार में सबसे अच्छी होती है। हर कोई उसकी हरी मिर्च खरीदना चाहता है, जिसकी वजह से वो बहुत अमीर हो जाता है। पर ये बात जब मोहन को पता चलती है तो वो उसकी जादुई हरी मिर्च को हथियाने की कोशिश करता है। सुना है तुम जादुई हरी मिर्च की खेती करते हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो इसमें से दोनों का बराबर हिस्सा हुआ। इसमें से आधा तुम रख लो और आधा खेत में रख लेता हूँ। मेरी खेत में तो जो फसल हुई थी वो खराब हो गई, मेरे घर का गुजारा चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अब तो तुम अपने पैरों पर भी खड़े हो गए हो, तुम तो कोई भी काम कर सकते हो। मोहन सोनू को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा लेता है। सोनू उसको आधा खेत देने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही मोहन उस जादुई हरी मिर्च को तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वह हरी मिर्च उसकी आंखों और पूरे बदन पर चिपक जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत जलन होती है। अरे बचाओ बचाओ, इस हरी मिर्च ने तो मुझे मार ही डाला। अरे मुझे बहुत जलन हो रही है। भैया, तुमने लालच में आकर इस हरी मिर्च को तोड़ने की कोशिश की है, उसी की सजा आपको मिली है। मुझे माफ कर दे सोनू, मैंने तेरे साथ गलत किया। मुझे इन हरी मिर्चियों से मुक्ति दिला दे, ये तो मेरी जान ले लेंगी। आगे से मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा और ना ही इन हरी मिर्चों को हाथ लगाऊंगा। हे जादुई हरी मिर्च, मेरे भाई को क्षमा कर दो और इन सारी हरी मिर्चियों को इनके बदन से हटा दो। सोनू के कहने पर हरी मिर्च मोहन के बदन से हट जाती है और मोहन वहां से भाग जाता है और वो कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखता। वहीं दूसरी ओर सोनू उन हरी मिर्च की मदद से बहुत अमीर हो जाता है और उन्हें लोगों की भलाई के लिए काम में लाता है। एक दिन एक आदमी उदास बैठा हुआ था। सोनू उसके पास जाकर पूछता है, क्या बात है भाई, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मेरी बेटी की कल शादी है और ससुराल वालों ने बहुत ज्यादा दहेज मांगा है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप चिंता न कीजिए, आप अपनी बेटी की शादी कीजिए, उसमें जो खाना बनेगा उसमें मैं अपनी मिर्चें डाल दूंगा। सोनू दावत के खाने में हरी मिर्च डाल देता है, जिस वजह से लड़की के ससुराल वालों के मुंह से बार बार यही शब्द निकलते हैं कि उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए, जिसकी वजह से शादी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। लड़की का पिता सोनू को बहुत धन्यवाद देता है। इसी तरह सोनू सबकी मदद किया करता था। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां केशव और सोनू दो भाई रहा करते थे। उनके पापा के पास अच्छे खासे खेत थे और अच्छी फसल हुआ करती थी, इसलिए उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर कुछ समय के बाद उनके पापा को कैंसर हो गया और उनकी मौत हो गई। कुछ दिन दोनों भाइयों ने शोक मनाया और फिर सीधा खेत के बंटवारे पर आ गए। केशव बड़ा भाई था, इसलिए उसने सोनू को खेत का जरा सा टुकड़ा दिया, वो भी टमाटर की खेती का, क्योंकि वो जानता था कि टमाटर में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और उनकी काफी देखभाल भी करनी होती है। केशव की पत्नी बोलती है, अजी आपने ना बिल्कुल सही किया, वो देवर जी को टमाटर वाला खेत दे दिया और हमारे पास ज्यादा जमीन आ गई। अब आगे जाकर ये जमीन हमारे बच्चों के काम आएगी। हाँ, इसीलिए तो मैंने उसे वो कम जमीन दी है और वो भी टमाटर वाला खेत, जिसमें मेहनत दुगनी होती है, बाजार में इतना मुनाफा भी नहीं होता। सोनू छोटा था और वो अपने भाई की बहुत इज्जत करता था, उससे बिना कोई सवाल जवाब किए उसने टमाटर की खेती ले ली। अब उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी आपने भाई साहब को कुछ बोला क्यों नहीं और आपने वो टमाटर वाला खेत क्यों लिया? कोई बात नहीं, खेती तो खेती होती है, चाहे टमाटर की हो या फिर किसी और चीज की, मेहनत सब जगह लगती है। सोनू मेहनती था,
वहीं केशव को बस बैठकर खाने की आदत थी। उसके खेत भी कोई और संभाल रहा था। वहीं दूसरी ओर सोनू अपने खेतों पर इतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। सोनू के घर पर अब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। उसके पास दो वक्त का खाना भी नहीं था, इसलिए वो अपने भाई से मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। भाई, मेरी फसल में मुनाफा नहीं हो रहा है, हालात भी काफी खराब चल रहे हैं। तुम कुछ दिनों के लिए मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, जब मेरी फसल अच्छी होगी तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अरे भाई, मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास तो खुद ही पैसे नहीं है, घर में खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। पर भाई, तेरी फसल तो बहुत अच्छी हो रही थी और मंडी में दाम भी अच्छे मिल रहे थे, फिर तू ऐसा क्यों बोल रहा है? बस भाई, बहुत हुआ, मैंने इतनी मेहनत, इतने पैसे तेरे लिए थोड़े ही रखे हुए हैं। भाई, अब हमारे खेत अलग है, इसलिए अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। सोनू को बहुत दुख हुआ कि उसका सगा भाई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। फिर सोनू ने अपने टमाटर के खेतों में थोड़ी और मेहनत करनी शुरू कर दी, पर सोनू को कोई लाभ ही नहीं हो रहा था। अब उसकी पत्नी उससे बोलती है, अजी, आप अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो ना, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, पूरे दिन धूप में मेहनत करते रहते हो। क्या तबीयत का ध्यान रखूं, अभी तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम्हारी और बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों करते हो, सब सही हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। फिर एक दिन सोनू खेत में काम कर रहा था और एक बाघ उसके खेत में दौड़ते हुए अचानक से आ गया। उसे देखकर सोनू बहुत डर गया और पीछे हटने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, वैसे ही घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और अब ये एक नई मुसीबत मेरे सामने आ गई, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, भगवान मेरी रक्षा करो। बाघ सोनू को कुछ नहीं कह रहा था और धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। सोनू डरते हुए पीछे हट रहा था, तब बाघ तेजी से सोनू के पास आ गया और बैठ गया और बोलने लगा, डरो मत सोनू, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अरे, ये क्या चमत्कार है, ये बाघ कैसे बोल रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पूरे जंगल में कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ खाने को है तो दे दो। सोनू ने अपने घर के लिए कुछ टमाटर टोकरी में रखे हुए थे ताकि वो उनसे अपने घर जाकर उसकी चटनी बनवाकर खा सके। फिर सोनू मन ही मन सोचता है, अरे, मेरे खेतों में तो आज थोड़े से ही टमाटर लगे हैं, वही मैंने अपने घर के लिए भी रखे हैं, मगर ये बेचारा बाघ तो भूखा है, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। वो सारे टमाटर बाघ को खाने के लिए दे देता है। तब बाघ बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, मैं जानता हूँ तुमने ये टमाटर अपने घर के लिए रखे हुए थे और तुमने वही मुझे दे दिए। अरे बोलने वाले बाघ, तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया? तभी वो बाघ एक विशाल बाघ का रूप ले लेता है। उसके शरीर से तेज रोशनी निकल रही थी। मैं माँ दुर्गा का चमत्कारी बाघ हूँ, मैंने तुम्हारे मन की बात सुन ली, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी क्या क्या समस्या है, पर तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे कुछ बदले में चाहिए था, ये तो मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने ऐसा किया। सोनू, तुम्हारे हालात इतने खराब हैं, तब भी तुम सबकी मदद करते हो, यहाँ तक कि कुछ समय पहले तुमने एक गर्भवती बकरी की मदद की थी, इसलिए ही मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, तुम्हारे टमाटर के खेत हमेशा भरे रहेंगे और हमेशा इन पर टमाटर लगेंगे, तुम्हें कभी भी अब खाने की कमी नहीं होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। चमत्कारी बाघ ये कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सोनू के टमाटर के खेत अचानक से ही अच्छे हो गए और उसकी बेकार फसल अब दोगुनी हो गई। पूरे खेत में एकदम ताजे लाल टमाटर लगे हुए थे और फिर सोनू सारे ताजा ताजा टमाटर बाजार में बेच देता है। फिर अपने घर के लिए राशन और ताजे टमाटर लेकर जाता है और घर पर स्वादिष्ट खाना बनवाता है और फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है।
अजी, आपकी मेहनत को देखकर ना भगवान जी ने साक्षात आपको दर्शन दिए हैं। मुझे आप पर गर्व है। नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी और बच्चों की मेहनत का नतीजा है। अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं देते तो हमारा मुसीबत का समय नहीं कटता। फिर सोनू ने टमाटर सूप की कंपनी में अपने खेत के टमाटर को सप्लाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद सोनू का काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। ये सब देखकर उसका भाई उससे जलने लगा और उसकी फसल खराब करने का प्लान बनाने लगा। आखिर ये सोनू इतने पैसे कैसे कमा रहा है? अगर मैं इसके टमाटर की खेती को ही नष्ट कर दूं, फिर ये पहले जैसा ही कंगाल हो जाएगा। केशव ऐसा ही करता है, मगर उसका नतीजा उल्टा हुआ। उसकी खुद की फसल खराब हो गई और वो अपने भाई के घर गया। सोनू भाई, मुझे माफ कर दे, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी सारी फसल खराब हो गई, मेरी थोड़ी मदद कर दे भाई। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, सब आबी का तो है। भाई, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू मेरी मदद करने के लिए हाँ कह रहा है। तू तो सच में बहुत अच्छा इंसान है। सोनू की ये बातें सुनकर उसके भाई को अपने किए का पछतावा होता है। सोनू अपने भाई की मदद करता है और दोनों भाई अच्छे से मिलजुल कर अपने जादुई टमाटर के खेत से अच्छा मुनाफा कमाते थे। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।